बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग फर्स्ट ईयर से अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक एमसीक्यूज़ के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। इस टॉपिक का नाम है सेल एज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। सेल एज ए यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अब इसमें हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में भी जिक्र कर चुके हैं कि सेल जो है, सेल के बगैर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सर्वाइवेबिलिटी है वो मुमकिन नहीं हो सकती। सेल जो है वो यूनिट ऑफ लाइफ है, और ना सिर्फ सेल यूनिट ऑफ लाइफ है बल्कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है। बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर भी बनाती हैं सेल, और उनके यूनिट ऑफ फंक्शन भी है। उनके अंदर डिफरेंट किस्म के फंक्शंस भी सेल्स ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा, अगर हम इंट्रोडक्शन का नाम दे दें, इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि दुनिया में बहुत से ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर भी हैं, जो कि एक सेल पे मुश्तमिल हैं। वो एक सेल पे मुश्तमिल हैं लिहाजा उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन एक सेल बना रहा है। इसी तरह दुनिया के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कई सेल्स पे मुश्तमिल हैं, लाखों सेल्स पे मुश्तमिल हैं। इनके अंदर भी हर सेल जो है अपना अपना काम जो है कर रहे होते हैं मल्टी सेलुलर में, क्योंकि बहुत से सेल्स होते हैं, हर सेल का डिफरेंट काम होता है। इसी को हम लोग अक्सर औकात डिवीज़न ऑफ लेबर भी कहते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर से मुराद ये है, डिवीज़न का मतलब होता है तकसीम, लेबर का मतलब है काम, काम की तकसीम। क्योंकि मल्टी सेलुलर जैसे इंसान है, हर सेल जो है एक ही काम नहीं करता, मुख्तलिफ सेल जो हैं मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल लेना चाहें डिवीज़न ऑफ लेबर की, तो सबसे पहले एग्ज़ाम्पल्स में हम लोग यहाँ पे ज़िक्र करते हैं एनिमल्स का। एनिमल्स जो हैं ये हेटरोट्रॉफ होते हैं, अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है ना। आगे मज़ीद प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे, इंजेस्टिव होते हैं, और ये दो गैमीट्स यानी स्पर्म और एग से मिलके बनते हैं। इनके अंदर जो है एनिमल्स के अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर्स पाई जाती है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल, और यहाँ पे लिख देता हूँ उसके फंक्शंस कि कौन सा सेल बॉडी में कौन से काम जो है वो कर रहा होता है। फ़र्ज़ कर लेते हैं मस्कुलर सेल है, मसल सेल है, मसल सेल, तो मसल सेल का क्या काम होगा? उसका सिर्फ एक ही काम है, और वो ये कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की बॉडी की मूवमेंट बनती है। तो ये आप लोगों ने इसमें बता दिया कि ये आ गया मसल सेल, और उसका काम भी बता दिया। फिर इसी तरह ही एनिमल्स में अगर इंसानों की बात ही कर लें, इसी तरह नर्व सेल्स होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह, यानी दे ट्रांसमिट इम्पल्स, मैसेज को ट्रांसमिट इम्पल्स। तो ये इम्पल्स को यानी कि मैसेज को या करंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, ये दूसरा फंक्शन हो गया। इसी तरह ग्लैंडुलर सेल्स की बात कर लें, ग्लैंड वाले सेल्स की, ग्लैंडुलर सेल्स, ग्लैंडुलर सेल्स का काम क्या होता है? ये सेक्रीशन में होता है, सेक्रीशन, मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स, मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट किस्म की और सेक्रीशंस भी हो सकती हैं। तो ये सेक्रीशंस निकालते हैं, जैसे मुंह से सेक्रीशंस आ रही हैं, जैसे स्टमक से सेक्रीशन आ रही है, ठीक है, ये आप बता सकते हैं। रेड ब्लड सेल का फंक्शन, रेड ब्लड सेल भी है बॉडी में, और ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको? मेनली ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन
ये ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। इसी तरह बॉडी में WBC वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, इनका काम क्या होता है, डिफेंस यानी आने वाले दुश्मनों से, बैक्टीरिया से, वायरसेस से लड़ना, तो ये आप लोगों ने बता देना है। इसी तरह स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं, गैस्ट्रिक सेल्स और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैस्ट्रिक जूस, तो ये गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये देखें, ये डिवीजन ऑफ लेबर है, ये हमारी बॉडी में ये सारे सेल्स हैं, बहुत कम सेल्स लिखे हैं बुक के हवाले से लिखे हैं सिर्फ, लेकिन आप देख लें हर एक का काम क्या है बॉडी में डिफरेंट है। और जब ये सारे सेल्स अपना काम इफेक्टिवली काम करते हैं, बेहतर काम करते हैं, तो वो जो इंडिविजुअल है उसका वो काम जो है उसको सर्वाइव रखने में ये मदद देते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग साथ ही एक और एग्जांपल ले लें, यहाँ तो हमने एनिमल की एग्जांपल ली है, तो अगर हम प्लांट्स की एग्जांपल ले लें, प्लांट्स भी मल्टी सेलर होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इसके अंदर भी हम दो कॉलम्स बना देते हैं, एक तरफ सेल लिख देते हैं और एक तरफ इसके फंक्शंस लिख देते हैं, ठीक हो गया। अब सेल्स के हवाले से प्लांट्स के अंदर बहुत से सेल्स हैं, मिसाल के तौर पे जाइलम की बात कर लें, जाइलम सेल है, जाइलम तो ये क्या करता है, ये पानी को और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको जड़ों से पत्तों तक लेके जाना, तो आप बता सकते हैं कि ये कंडक्ट करते हैं, दे कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, ये सिर्फ इनका ये काम है, ठीक हो गया, तो ये आपने बता देना है। इसके अलावा अगर आप बात करें फ्लोएम सेल की, तो फ्लोएम सेल जो है ट्रांसलोकेट करती है, एक जगह से दूसरी जगह भेजती है, किसको, फूड को, जो प्लांट ग्लूकोज या सुक्रोज बनाता है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना फ्लोएम का काम है, ये इसका फंक्शन हो जाएगा, ये फ्लोएम का फंक्शन हो जाएगा। इसके अलावा स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल का सिर्फ काम क्या होता है, सपोर्ट देना, सपोर्ट टू प्लांट, प्लांट को सपोर्ट देना, सहारा देना, ताकत देना, ताकि हवा चले या उसके ऊपर फ्रूट लगें या उसकी हाइट ज़्यादा हो तो प्लांट जो है टूटने ना पाए, मुड़ने ना पाए, उसको मज़बूत रखना। इसी तरह आप लोग बता दें स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के बाद आप लोग बता दें कॉलनकाइमा सेल्स भी सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं, लेकिन बेबी प्लांट्स यानी जो निकलते हुए पौधे होते हैं उनको, तो स्क्लेरेनकाइमा सेल जो हैं वो अडल्ट प्लांट्स का लिख दें, ये बालिग जो बड़े दरख्त वगैरह होते हैं उनको ये सपोर्ट देते हैं। उसके बाद क्लोरेनकाइमा सेल्स ये जो हैं सेल्स, ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, फोटोसिंथेसिस में। और आखिर में जाके आप बता दें पेरेनकाइमा सेल्स और ये क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं फूड को, इनका काम होता है खुराक को ज़खीरा करना। तो आपने देखा कि प्लांट्स के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास जो हैं वो सेल्स हैं, और उनके अंदर भी डिवीज़न ऑफ लेबर है, सेल में भी हर सेल एक ही काम नहीं कर रहा, कोई पानी लेके जा रहा है, कोई फूड लेके जा रहा है, कोई अडल्ट प्लांट को सपोर्ट दे रहा है, कोई बेबी प्लांट को सपोर्ट दे रहा है, कोई फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कोई फूड को स्टोर कर रहा है, ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। इसमें MCQs के हवाले से जो आपने बहुत, वैसे तो सारा टॉपिक ही समझने वाला है, लेकिन जो मोस्ट पेपर में जो आते हैं मोस्टली उनमें ये क्लोरेनकाइमेटस सेल्स, पेरेनकाइमेटस सेल्स, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये भी MCQ में आ सकता है, तो ये आप लोगों ने बता देना है। अब आखिर में जाके आप लोगों ने बता देना है कि सेल्स जो हैं, एक बात याद रखें, सेल एक शक्ल के नहीं होते, सेल्स कैन
वेरी इन शेप। सेल्स कई शक्लों के आपको मिलेंगे, कुछ सेल्स जो है वो गोल होंगे, कुछ जो है वो उनका कोई और स्टाइल होगा, मतलब मुख्तलिफ शेप्स में मिलेंगे, मुख्तलिफ साइज़ में मिलेंगे, क्योंकि इनके काम डिफरेंट है और इसी वजह से इनकी शेप भी मुख्तलिफ हो सकती है, इनका साइज़ भी मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन एक बात सब में जो मिलेगी वो ये कि सबका बॉडी प्लान क्या है, कॉमन प्लान है। कॉमन प्लान से मुराद ये है कि आपको हर सेल में न्यूक्लियस मिल जाएगा, आपको हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मिल जाएगा, आपको हर सेल में जो है वो सेल मेम्ब्रेन मिल जाएगी, तो इस तरह के कुछ ऑर्गेनल्स भी हैं, ठीक है, वो भी मिल जाएंगे। तो इनका जो बेसिक प्लान है, शक्ल डिफरेंट हो सकती है, साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, कोई गोल हो सकते हैं, कोई लंबे हो सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें सब में जो हैं वो सेम ही मिलेंगी आपको। तो ये आप लोगों ने बता देना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।